सो हेलो एवरीवन, सो आज गाइस मैं पहुंच चुका हूं कनाडा के कैपॉक्स मॉल्स, एक आइलैंड है वहां पे पहुंच चुका हूं। बहुत ही ठंडा वेदर है यहां पे भी। 3-4 दिन लगे हैं हमारे को शिप से यहां तक पहुंचने के लिए। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा आगे की क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलेगा यहाँ पर भी। तो छोटा सा देखिए माउंटेन, यहाँ पर लोग ऊपर चढ़ के फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो यहाँ भी देखेंगे क्या क्या होगा यहाँ पर भी। तो हम बोट से उतर चुके हैं, आपको बता दूं तो बोट से उतर चुके हैं यहाँ पे और हम जाने वाले हैं उस तरफ। और देखिए कितने लोग लाइनों में खड़े हैं, फ्लैग आप देख सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, यूके और सम लोकल फ्लैग यहाँ के। तो देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है यहाँ पे। देखिए यहाँ की लोकल बस है, इसलिए ला मादे लाइन्स यहाँ की लोकल बस है ये। और हम गाड़ी देख सकते हैं, मेरी फेवरेट फिर से। तो ये बसेस टूर्स लेके जाती हैं यहाँ से, पर हम टूर में जा नहीं रहे हैं, हमें तो शॉपिंग करनी है, आईफोन खरीदना। अभी तक आईफोन नहीं खरीदा यहाँ भी, हम आईफोन स्टोर देखेंगे क्या प्राइस रहेगा, आईफोन खरीदना है। पैसों का बैग भाई का साथ में ही अभी तक भी। तो ये यहाँ पहुँच गए हैं, लाइस दल्ला मादे लाइन है, थोड़ा डच नेम है थोड़ा ये। यहाँ पर 2 तरह की लैंग्वेज चलती है कनाडा में, आपको बता दूँ तो। बस आ रही है और हम चलते हैं शॉप की तरफ। कितना अच्छा पहाड़ है ऊपर, अच्छा व्यू है फोटोग्राफी के लिए। तो देखिए यहाँ का बहुत ही कम लोग दिख रहे हैं यहाँ भी, आइलैंड है छोटे छोटे, ये भी वेस्टर्न पार्ट है कनाडा का। सो देखते हैं आगे आगे क्या मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो जुड़े रहे वर्ल्ड वाइड अंकुश जी। देखिए आपको यहाँ पहुँच बता दूँ हर वगैरह फिर से नाम। देखिए यहाँ की सिक्योरिटी भी कितनी साफ सफाई रखते हैं, किसी ने लिफाफे फेंके थे तो साफ सफाई कर रहा है खुद से ही। तो पहुंच चुके हैं कनाडा में कैपॉक्स मोलेस। 2 तरह के यहाँ पे लैंग्वेज मिलेंगी। हेलो सर, ओके ओके श्योर सर। तो रास्ते में देखते हैं क्या क्या मिलता है एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे। घर देख सकते हो, शॉप है ये छोटी सी। तो घरों का कलर देखो आप, कितने अच्छे कलर, ये वुडन से बने हुए हैं, कुछ घर फाइबर से भी बने हुए हैं। ये फाइबर और वुडन यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत अच्छा यहाँ पे मटेरियल यूज़ करते हैं। हैवी स्नोफॉल रहता है यहाँ पे भी। टेम्परेचर बहुत ही, टेम्परेचर यहाँ का भी 13 डिग्री है, समर चल रहा है अभी यहाँ पे 13 डिग्री है। तो बहुत अच्छा छोटा सा गाँव है ये, घर देख सकते हो लोगों के। और गाड़ी का नंबर देखना चाहें तो GATTS2H2R। तो यहाँ पे इंडियंस मिले थे कुछ, तो भाई के यहाँ पे स्टेट के थे, गुजरात के, थोड़ी सी बातचीत हुई हमारे। यहाँ पे शॉप देखें, वाओ वाओ वाओ। और यहाँ पे पेट्रोल भी खुद भरना है, ये भी आपको बता दूं मैं। यहाँ पे कोई होता नहीं है पेट्रोल भरने के लिए, ग्रे बियर करके पेट्रोल पंप है ये भाई। प्राइस वहां पे बताएं तो लाइक प्राइस बताएं। तो पेट्रोल पंप के पास पहुंच चुका हूं और ये देखिए कितनी फेवरेट गाड़ी है यहां पे, आपको बता दूं तो GMC की ट्रक है ये भी, मेरा फेवरेट रहेगा। आप बताना कैसा लगा ये ट्रक। और पेट्रोल प्राइस मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 168.9। तो कंपैरिजन करना बताना, इंडिया में पेट्रोल महंगा और यहाँ पे पेट्रोल महंगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो पेट्रोल प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है, गाड़ियाँ तो बहुत ही अच्छी है यहाँ पे। देखिए पूरे 4x4 ट्रक है यहाँ पे। तो ये हमारा कनाडा है, तो कनाडा की बाद में हम घूम रहे हैं GMC की गाड़ी। वाओ, हम मेन सिटी में पहुंच चुके हैं और एप्पल स्टोर ही ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हम कनाडा।
तो क्लीननेस आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी क्लीननेस आपको मिलेगी, और वेदर तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, ज़्यादा क्राउड नहीं दिख रहा है, छोटा टाउन है ये भी। देखिए ब्लैक वाला घर देखिए कितना खूबसूरत है। बताए मेरे को कनाडा कैसा लग रहा है, सिर्फ आपके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फिर से। लेट्स गो। घरों की कलेक्शन देखें यहाँ पे, आई थिंक ये होटल है, रिसेप्शन लिखा है बाहर, और घर भी ऐसे रहते हैं यहाँ पे। तो आपको एक और बता दूं मैं, पेट्रोल पंप एक और आ रहा है, जैसे इंडिया में एचपी गैस चलता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो यहाँ पे भी अलग अलग तरह के आपके नाम मिलेंगे पेट्रोल पंप के। देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस रहेगा, सेम ही प्राइस रहेगा यहाँ पे भी, 168.9 यहाँ से दिख रहा है, नज़दीक जाके देखते हैं क्या प्राइस है पेट्रोल का। तो पेट्रोल पंप एक और यहाँ पे हर नॉइस करके पेट्रोल पंप का नाम है, नाम देख सकते हैं 168.9 अगेन। और हम स्टोर देख रहे हैं कुछ यहाँ पे, कुछ परचेज करते हैं, पूरा सी भी हुआ है यहाँ से अगर वहाँ से देखें तो। घर के पास पहुँचा हूँ, देखिए कितना खूबसूरत घर, इतनी अच्छी बात वादियों में, मेरे को बताना घर कैसा लगा है, कौन लेना चाहेगा इस घर को। बहुत ही खूबसूरत घर, और पीछे टाउन है, ये टाउन की तरफ भी चलते हैं, मेन सिटी में ही घर है ये, सिटी भी सामने है, क्राउड नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है यहाँ इतनी, एरिया बड़ा है, अपने इंडिया की तरह नहीं हर जगह घर ही घर। कितना अच्छा घर है, खूबसूरत डिज़ाइन देख सकते हो आप, और ये पीछे टाउन है पूरा गांव है, जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा मैं तो, देखें तो ये छोटा सा टाउन है, देखें कितने अच्छे घर हैं यहाँ पे। मेरे को बताना कमेंट्स में घर कैसे लगे आपको। तो चलते हैं स्टोर की तरफ, ये छोटा सा एक शॉप है वेल करके, एल ए सोर्स छोटा स्टोर है, देखते हैं यहाँ पे प्राइस क्या क्या रहते हैं और क्या मिलता है, कुछ लेने लायक रहेगा तो कुछ खरीदते हैं। तो यहाँ पे अंदर आ चुका हूँ, और फ़ोन तो है यहाँ पे, पर भाई ना पता किया तो 14 प्रो मैक्स यहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है। विच फोन इज दिस? ओके, यहाँ पे गैलेक्सी S21 5G, प्राइस यहाँ पे नहीं है क्योंकि सब डमी पीस है। यस, दिस इज सैमसंग, तो मैं आपको बताना चाहूँगा सैमसंग का जेड फ्लिप 4 अगर कोई देखना चाहे, डमी पीस हैं ये, यहाँ पे मिलेंगे नहीं, सब फोल्डेबल फ़ोन है, देखिए फोल्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पे प्राइस करेंगे इसका भी पता, सारे गैलेक्सी सीरीज है यहाँ पे, सो प्राइस देखते हैं अगर मिलता है यहाँ पे प्राइस, तो शायद यहाँ पे प्राइस मिलेगा नहीं। तो और कुछ देखें यहाँ पे JBL के, यहाँ पे देखिए ये पोर्टेबल स्पीकर हैं, प्राइस यहाँ पे 159, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो 159 फ्लिप 5, और हरमन का रहेगा JBL का 169। सो आप प्राइस कंपेयर कर सकते हैं इंडिया से। यहाँ पे JBL का ये भी मिला है, तो ये देखिए JBL का मिला है यहाँ पे, JBL का मॉडल है ये क्लिप 4, प्राइस रहेगा इसका 99.99 कैनेडियन डॉलर्स। सो जो पोर्टेबल स्पीकर्स के लवर्स हैं वो देख सकते हैं प्राइस। यहाँ पे एक कोई यहाँ की लोकल क्वालिटी है हेड रश करके, 59.99 इसका प्राइस है, कंपैरिजन कर सकते हो आप, बताना मेरे को यहाँ पे इंडिया में चीप है आइटम्स। और यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ, वहाँ पे स्थान ही कुछ iPhone 14 को तो यहाँ पे भी मिला, ट्रक देख सकते हो, ट्रक लवर्स यहाँ के ऐसे ट्रक होते हैं, और देखिए रैम की कितनी अच्छी अच्छी गाड़ी है यहाँ पे। घर देखें कितना अच्छा है, घर के डिज़ाइन बहुत ही प्यारे बनाए हुए हैं यहाँ।
अरे यहाँ पे ऑपोजिट साइड में आपको दिखाऊं तो टिम होटन, अगर कोई जानता है तो मेरे को बताना टिम होटन क्या है ये, मुझे तो बताइए आप, बताना मेरे को टिम होटन किस लिए फेमस है। टिम होटन बहुत ही फेमस है कनाडा में, इंडिया में भी आई थिंक टिम होट की ब्रांचेस। तो आगे अभी तक देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पे देखने को, घर ही है मिल रहे हैं यहाँ तो अभी तक देखने को, छोटा टाउन है तो यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं है, फिर से बता रहा हूँ यहाँ पे लोग नहीं है ज़्यादा। ये देखिए भाई अपनी भैंसों के लिए घास लेके आ गए गाड़ी में। स्टैंडर्ड देखिए भाई का, रैम गाड़ी लगाई है, पीछे ट्रॉला लगा रखा है। तो यहाँ पहुँच गया हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना साइलेंट है सारा, लोकल गाँव में पहुँच चुका हूँ मैं। छोटी सी चर्च है यहाँ पे, एक क्रिश्चियन की चर्च है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी है, भी बनाई डिज़ाइन की हुई है। तो भाई और क्या एक्सप्लोर करने को भाई, एक्सप्लोर करने के लिए और क्या है यहाँ पे, कुछ भी दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मैं अपनी वीडियो ऐसे ही आगे से आगे जो भी है चलते चलते बताता रहूँगा। रास्ते में एक ट्रक, यहाँ पे ट्रक का मॉडल देखो कितना सुंदर मॉडल है ट्रक का, दूसरा ट्रक, कुछ खास नहीं है यहाँ पे तो ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाया यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मर बेंजोबी ट्रक आ रहे हैं सारे। तो यहाँ पे साइड में पहुंच चुके हैं, उस पहाड़ी तक हमें जाना है फोटो शूट करने के लिए, जैसे आपको बताया था मैंने कि एक अच्छा व्यू है यहाँ से, हमारा शिप वहाँ पे खड़ा है, बोट के थ्रू हम यहाँ पे आए हैं और ये कनाडा में हम मजे ले रहे हैं। कनाडा का फ्लैग वहाँ पे को दिख रहा होगा, तो सी साइड से जा रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ पे जाना है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा मिला नहीं एक्सप्लोर करने के लिए। आईफोन लेना वो भी नहीं मिला अभी, देखते कितना कब तक नहीं मिलेगा आईफोन। सो एक गांव देख सकते हैं यहाँ का, हाइट से दिखाने की कोशिश है गांव की, छोटा सा गांव है कनाडा का ये भी, यहाँ पे छोटे छोटे गाँव होते हैं सिटी से हट कर। बहुत अच्छा गांव और छोटा सा यहाँ पे व्यू पॉइंट मिला है अगस्टिन द ला बोर्दाइस, फ्रेंच लिखी हुई है तो हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, देख सकते कितना अच्छा है यहाँ पे, किसी की मेमोरीज में बनाया हुआ है देख सकते हैं। तो ये गांव यहाँ से नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँ मैं, कितना अच्छा यहाँ पे देखिए गाँव है, झूम देखें तो ये सी व्यू इनके गाँव के साथ, पूरा गाँव है सारा, थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही है और हल्की हल्की बारिश और हम यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं, हमें यहाँ पे जाना है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है देखने को। ये पहुँच चुका हूँ चढ़ते हुए ऊपर, लेट्स गो 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 गो। कुछ लोग यहाँ पे इतने बूढ़े बूढ़े ऊपर पहुँच चुके हैं और हम ऊपर जाते हुए देखते हैं क्या क्या मिलता है, ऊपर से व्यू कैसा रहता है। यहाँ तक पूरा व्यू है, फ्रेंच लिखी हुई है आई थिंक, लिखा है वॉच योर स्टेप, स्लिपरी भी हो सकते हैं, वुडन के हैं पूरे। तो व्यू देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना खूबसूरत नजारा ऊपर से, बहुत अच्छा है यहाँ पे इस गांव का, छोटे से गांव का व्यू, कनाडा का व्यू देख सकते हैं यहाँ पे, कनाडा भी लिखा हुआ है, जूम करके दिखाता हूँ अगर कनाडा दिखता है तो, सामने यहाँ पे दिख रहा है कनाडा, वो दिख पा रहा हो तो। पहुँच गए हैं लास्ट स्टेप, आपको बता दूँ यहाँ लास्ट स्टेप रह गया और आज लाइक एंड शेयर करते रहें, आपको बताऊंगा कि किस लिए ये फेमस है यहाँ पे। और ये ऊपर पहुँच चुके हैं, ऊपर से आप व्यू देख सकते हो, बहुत हाइट थी
थक गया भाग भाग के, और एसी भी हुआ पूरा। और ये बता दूँ ये सब फ्रेंच लिखी हुई है, यहाँ पे ऐसा हुआ करता था पहले। सो गाइस शेयर एंड सब्सक्राइब, बताना मेरे को कनाडा कैसा लगा। कैपॉक्स मेल्स टाउन का नाम है कैपॉक्स। सो लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वर्ल्ड वाइड अंकुश जे, जुड़े रहें और बताएं मेरे को कैसी लगी आपको ये वीडियो।